शुरुआत टाइगर 3 के सॉन्ग पर। बहुत बड़ी अपडेट आई है सभी फैंस के लिए। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल में। चलिए आपको बात करते हैं सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 द फाइनल मिशन को लेकर। दोस्तों, इसके पहले पार्ट 1 था टाइगर, उसके दूसरे पार्ट टाइगर जिंदा है, अब इसके तीसरे पार्ट टाइगर 3 द फाइनल मिशन, जो अब बेहद बहुत ही खास होने वाली है। इसके दो पार्ट ब्लॉकबस्टर साबित रही और फैंस के बीच बहुत बड़ी जगह बना चुका है। तो क्या आई है टाइगर 3 द फाइनल मिशन का रिपोर्ट, मैं आप लोग को इस वीडियो में बता देता हूं। जी हां, आपको बता दूं कि टाइगर 3 के सॉन्ग पर अब काम चलना शुरू हो चुका है, जिसमें सलमान खान अब नए नए डांस स्टेप भी सीखने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल, आप लोग को बता दूं, सलमान खान अब टाइगर 3 को लेकर अपना बॉडी को और ज़्यादा जहां तक बेहतर करने की कोशिश में है, और इस बार सलमान खान का जो डांस स्टेप होने वाले हैं सॉन्ग में, वो बेहद बहुत खास होने वाला है। आप लोग जानते हैं कि टाइगर जिंदा है, जी हाँ, जिसमें सॉन्ग था, जी हाँ, स्वैग से स्वागत और दिल दिया। बिल्कुल, ये दो सॉन्ग है जिस पर फैंस की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिला। बिल्कुल, आप लोग जानते हैं जिसमें सलमान खान के साथ कटरीना कैफ नज़र आई थी, और ये दोनों सॉन्ग की बात करेंगे व्यूज़ के मामले में तो 883 मिलियन व्यूज़ स्वैग से स्वागत सॉन्ग को मिल चुका है, और इसके आंकड़े और बढ़ते ही जा रही है, और जल्द ही इसके 1 बिलियंस पहुँच जाएंगे। वहीं इसके सेकेंड सॉन्ग दिल दिया गल्ला, जो आखिरकार 682 मिलियन व्यूज़ पहुँच चुका है, और बात करें जिस तरह से यह सॉन्ग ब्लॉकबस्टर साबित रही, इसके मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही, अब इसके थर्ड पार्ट को लेकर तैयारी चल रही है। थर्ड पार्ट की स्टोरी भी काफ़ी बेहतर होने वाली है टाइगर 3 द फाइनल मिशन के, मगर इसके अब सॉन्ग पर काम चल रहा है, जिसमें सलमान खान को लेकर ये रिपोर्ट आई है कि सलमान खान इसमें नए जहाँ तक डांस मूवमेंट सीख रहे हैं, और इसमें काफ़ी गजब के तगड़ी और बॉडी बना रहे हैं, अपने जहाँ तक जो बॉडी पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह की रिपोर्ट आई है टाइगर 3 को लेकर, ये रिपोर्ट आप लोग को कैसी लगी? टाइगर 3 में इस बार मूवी भी काफी क्लासिक होगा, इसमें सॉन्ग भी और भी जबरदस्त होगा, तो आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटमेंट है सलमान खान और जहां तक कटरीना कैफ को एक साथ देखने के लिए एक ही पर्दे पर फिर से, वेल अपना रिएक्शन जरूर दे इस वीडियो के नीचे।